हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्लिक फायर गेमिंग के एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ये मुंबई और राजस्थान के बीच में मैच होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आ जाते हैं, हम अपना प्लेइंग 11 पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे कौन सा प्लेयर कब रखना है, कौन छोड़ना है, और आपको कब सा चार ऐसे प्लेयर की प्लेयर बताऊंगा दोनों टीम्स के जो आपके लिए मैच में इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको रखना ही रखना होता है। तो आ जाते हैं मुंबई का प्रोबेबल 11 देख लेते हैं। तो मुंबई का प्रोबेबल 11 जो है उसमें पहले रोहित शर्मा, टीम डेविड, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, शम्स मुलानी, पीयूष चावला, गैराल्ड गोइडज, जसप्रीत बुमराह, लुक वुड। अब इसमें शम्स मुलानी और पीयूष चावला और लुक वुड में आपको ये नज़र आएंगे कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी नज़र आ सकते हैं। तो ये हो गई मुंबई की प्लेइंग 11। और अब आ जाते हैं हम राजस्थान का प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो राजस्थान का जो प्लेइंग 11 है, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, रियन पराग, रविचंद्रन अश्विन, ध्रुव जुरैल, नांद्रे बर्गर, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा और आवेश खान। ये तो होगी ये राजस्थान की प्लेइंग 11। तो इसमें आपको नांद्रे बर्गर और आपको ये नज़र आएंगे, आप हो सकता है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी नज़र आ सकते हैं। तो ये तो राजस्थान की प्लेइंग 11 हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने वेन्यू एनालिसिस पे। तो वेन्यू देख लेते हैं। तो वेन्यू हमारा है जो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई का, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 205 रन। टोटल विकेट इस ईयर आपको 10 विकेट गए हैं इस पिच पर, जिसमें से 7 पेसर्स ने लिए हैं और 3 स्पिनर्स ने लिए हैं। मतलब समझ सकते हैं आपको स्पिनर्स को थोड़ा कम हेल्प रहेगा, लेकिन पेसर्स को यहाँ पे पूरा भरपूर मजा है, स्पिनर को भरपूर ये रहेगा। तो अब आ जाते हैं अपना हम स्टार्ट वो देख लेते हैं, सबसे जो की प्लेयर हैं उनको बारे में हम बात कर लेते हैं। क्यों की प्लेयर हैं ये बात बताएंगे हम जरूर। वॉच आउट प्लेयर हैं आप एमआई के, इसमें आपको रोहित शर्मा नजर आएंगे। रोहित शर्मा इसलिए ये है कि ये वानखेड़े का पिच है और यहाँ पे रोहित शर्मा को खेलना मतलब कतई बहुत ही अलग लेवल का पसंद है भाई रोहित शर्मा को। तो मतलब रोहित शर्मा आज के लिए कैप्टनसी पिक के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन है। दूसरा प्लेयर है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा की का भी ये काफ़ी अच्छा ग्राउंड है और यहाँ पे ये भी खेलना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, इनके लिए भी मज़ा आएगा। गैराल्ड कोइडजे, गैराल्ड कोइडजे इसलिए बता रहा हूँ आपको, जसप्रीत बुमराह गैराल्ड कोइडजे में से भी लेके जा सकते हैं, जसप्रीत बुमराह भी है। तो गैराल्ड कोइडजे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पिच गैराल्ड कोइडजे को काफ़ी अच्छी मदद देगी। तो ये आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए काफ़ी अच्छे पिक्स होंगे। हार्दिक पांड्या भी इस पिच पे काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे। हार्दिक पांड्या से जितनी भी दुश्मनी है भाई, ईएमआई का कैप्टन नहीं है, कितना बदतमीजी कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको फैंसी टीम में जीतना है तो आपको इस बार हार्दिक पांड्या को भी लेके चलना होगा इस मैच। ना कैप्टन बनाए ना वाइस कैप्टन बनाइए, लेकिन लेके रखना होगा टीम में। ये चार प्लेयर एमआई की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं राजस्थान की तरफ से। राजस्थान की तरफ से जो चार प्लेयर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जोस बटलर भाई, ये पिच जोस बटलर के लिए काफ़ी सूट करेगी। इस पिच में जोस बटलर मारेगा। दो मैच से अच्छा चल नहीं रहा है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इस मैच में बाबू जोस बटलर मारेगा, वो जरूर मारेगा। यशस्वी जायसवाल के लिए भी ये मैच काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद युजवेंद्र चहल इसलिए रखा हूँ कि सेकंड इनिंग में अगर जो राजस्थान की बॉलिंग आती है और पहले बैटिंग कर लेती है राजस्थान, तो युजवेंद्र चहल को खेलने के चक्कर में लोग 3-4 विकेट लेके चला जाएगा, ये मारने के चक्कर में लोग जाएंगे। अगर जो पहले बॉलिंग कर रही है राजस्थान, तो युजवेंद्र चहल को ना लेकर के मैं किसी और बॉलर के साथ चला जाऊँगा। तो किसी आवेश खान हो गया या फिर कोई और हो गया, जो भी बॉलर होगा उसके साथ हम चले जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं अपना जो है रियन पराग इस समय काफ़ी सुप्रीम टच में है, तो भाई रियन पराग को छोड़ना नहीं है, ये फिर लेके प्लेयर चलना है। तो ये तो हमारे हो गए वॉच आउट जो प्लेयर हैं, ये सब हो गए। अब आ जाते हैं हम ड्रीम इलेवन पे। ड्रीम इलेवन पे आकर अपना टीम बना लेते हैं और आपको टीम बनाकर दिखा देते हैं। तो ड्रीम इलेवन में हम आ गए हैं और अपना हम टीम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जोस बटलर, संजू सैमसन, ईशान किशन, ये तीनों बैक विकेट कीपिंग ऑप्शन से ये तीनों के तीनों अच्छे ऑप्शन हैं, तीनों को रखना है। रोहित शर्मा रख के ही चलना है, यशस्वी जायसवाल रख के ही चलना है, तिलक वर्मा को भी लेके चलना है। यहाँ से हम तिलक वर्मा को लेके चलेंगे, टीम डेविड नहीं लेके चलेंगे, काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, तिलक वर्मा को लेके चलेंगे, यहाँ से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमको यहाँ से लेके चलना है हार्दिक पांड्या, रियन पराग, रविचंद्रन अश्विन को मैं नहीं रख रहा हूँ, बाद में देखेंगे रखना है कि नहीं रखना है। बॉलिंग सेक्शन से आ जाते हैं। अभी के लिए मैं युजवेंद्र चहल को रख रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि राजस्थान पहले बैटिंग करेगी। जसप्रीत बुमराह को लेकर चलूँगा, ट्रेंट बोल्ट को लेकर चलूँगा, गैराल्ड कोइडजे छूट जा रहा है यार, गैराल्ड कोइडजे को हम लेके चलेंगे युजवेंद्र चहल की जगह पे। मैं गैराल्ड कोइडजे को युजवेंद्र चहल की जगह पे लेके चल रहा हूँ। अगर जो नांद्रे बर्गर आएंगे तो मैं किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके नांद्रे बर्गर को भी लूँगा, तब मैं हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करने का रिस्क लूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा नांद्रे बर्गर के साथ। उसके बाद हम जा जाते हैं यहाँ पे कैप्टनसी के लिए। कैप्टनसी हमारे लिए सबसे अच्छा आज का मस्त ऑप्शन है, रोहित शर्मा आज के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा है जोस बटलर, आप जोस बटलर रोहित शर्मा के साथ जा सकते हैं। मैं कैप्टन कर रहा हूँ रोहित शर्मा को, जोस बटलर को वाइस कैप्टन कर रहा हूँ, ये हमारी टीम हो गई। आपको मैं टीम दिखा देता हूँ आपको पूरा।
तो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से नजर आएंगे जोस बटलर, संजू सैमसन, ईशान किशन। बैटिंग सेक्शन से रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा। ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांड्या, रियन पराग। बॉलिंग सेक्शन से ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, गेराल्ड क्विटजे। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि राजस्थान पहले बॉलिंग कर रही है, उसके बाद अगर जो राजस्थान पहले बॉलिंग नहीं करेगी तो मैं जसप्रीत बुमराह या गेराल्ड क्विटजे में से किसी एक की जगह या फिर हार्दिक पांड्या की जगह पर मैं युजवेंद्र चहल को भी लेकर चलूँगा। तो ऑलराउंडर सेक्शन में केवल एक प्लेयर लेकर चलूँगा मैं। तो ये तो हो गई हमारी टीम। तो वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।